हैदराबाद के बंजारा हिल से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक मोमोज खाते हुए महिला की मौत हो गई। दो वेंडर्स को देखिए पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी किया गया है। हैदराबाद से डरा देने वाली खबर आई है, यहां मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 लोग बीमार पड़ गए। ये सारे लोग वीकेंड पर घूमने निकले थे। कुछ पीड़ितों ने बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। 31 साल की एक महिला के स्ट्रीट फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद कथित तौर पर मौत हो गई। महिला की पहचान नंदीनगर की रहने वाली रेशमा बेगम के रूप में हुई। मृतक महिला के परिवार के एक सदस्य ने पुलिस से शिकायत की कि मोमोज खाने के बाद वो बीमार पड़ गई और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इन सब लोगों ने दिल्ली मोमोज नाम के फूड स्टॉल से मोमोज खाए थे। चिंताल बस्ती में बना यह स्टॉल करीब 3 महीने पहले बिहार से आए अरमान और उसके 5 दोस्तों ने शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस ने स्टॉल चलाने वाले को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद से डरा देने वाली खबर आई है, यहां मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 लोग बीमार पड़ गए। ये सारे लोग वीकेंड पर घूमने निकले थे। कुछ पीड़ितों ने बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। 31 साल की एक महिला के स्ट्रीट फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद कथित तौर पर मौत हो गई। महिला की पहचान नंदीनगर की रहने वाली रेशमा बेगम के रूप में हुई। मृतक महिला के परिवार के एक सदस्य ने पुलिस से शिकायत की कि मोमोज खाने के बाद वो बीमार पड़ गई और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इन सब लोगों ने दिल्ली मोमोज नाम के फूड स्टॉल से मोमोज खाए थे। चिंताल बस्ती में बना यह स्टॉल करीब 3 महीने पहले बीहार से आए अरमान और उसके 5 दोस्तों ने शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस ने स्टॉल चलाने वाले को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।